इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजित जोगी को हाई पावर कमेटी ने आदिवासी नहीं माना। इस फैसले पर संत कुमार नेताम ने खुशी जाहिर की है। नेताम पिछले 19 साल से जोगी जाति को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने इस फैसले को सत्य की जीत बताया। नेताम ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पहले उनका साथ दिया लेकिन बाद में पीछे हट गए। ये हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा कल सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जो आदिवासी का जो मामला था उसका पटाक्षेप किए हैं और हाई पावर कमेटी के अनुसार अजीत जोगी आदिवासी नहीं है और इससे इस आदिवासी नहीं है कारण से मैं बहुत ही खुश हूं और मैंने जो मेहनत किया था उसे मुझे सफलता मिली है और निश्चित रूप से मैं जो कोर्ट ने जो अपनी कार्यवाही किया है उस पर मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। हर मोर्चे पर हमारी आवेदनों को हमारी आपत्तियों को बिना कोई कारण बताए खारिज किया गया। हमने आवेदन किया कि जो दस्तावेजी और मौखिक प्रमाण समिति हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहती है वे हमें दिखाए ताकि हम उसे चुनौती दे सके। हमने आवेदन किया कि समिति जो हमारी ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है उसको अपने रिकॉर्ड में ले। ये